इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के चीफ बद्रुद्दीन अजमल अपने तीखे बयानों से हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो चर्चा में है। दरअसल AIUDF चीफ अजमल का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं भले ही IAS, IPS या डॉक्टर ही क्यों ना हो, उन्हें हिजाब पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की नौकरियों में मुस्लिम पहचान को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों की माने तो असम के करीमगंज में मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए बद्रुद्दीन अजमल ने सुझाव दिया कि IAS, IPS और मेडिकल फील्ड जैसी प्रतिष्ठित बिजनेस में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य होना चाहिए। दरअसल इनका तर्क है कि इन कामुक महिलाओं के बीच मुस्लिम पहचान के लिए हिजाब को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके इस बयान से हिजाब का मुद्दा फिर गर्मा गया। दरअसल बद्रुद्दीन अजमल ने सवाल किया, अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना या अपने बाल ढकना नहीं जानती तो उन्हें मुस्लिम के रूप में कैसे पहचाना जाएगा। अब अजमल ने इस बात पर जोर दिया कि हिजाब पहनना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। उनके हिसाब से हिजाब जरूरी है क्योंकि बाल शैतान का धागा है और मेकअप शैतान का काम है। एक मस्जिद और कब्रिस्तान की नींव रखने के लिए बद्रुद्दीन अजमल करीमगंज पहुंचे थे जिस दौरान उन्होंने ये बातें रखी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बद्रुद्दीन अजमल की तरफ से इस तरह का कोई बयान जारी किया गया हो। 22 जनवरी को ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अजमल ने मुस्लिमों से अपील की थी कि वे 20 से 25 जनवरी के बीच यात्रा नहीं करें और अपने अपने घरों पर रहें। उनका कहना था कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, मुस्लिमों को 20 से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए। राम जन्मभूमि में राम की मूर्ति रखी जाएगी, पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। अजमल ने कहा था लाखों लोग आएंगे, बीजेपी की योजना बड़ी है, इस दौरान हमें ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बीजेपी हमारी जान, हमारी आस्था, हमारी अजान की दुश्मन है। वे हमारी जान, हमारी शान, मस्जिदों और मुस्लिम महिलाओं की लाज के दुश्मन है। हमारे कानून कुरान पर आधारित है लेकिन वे उसमें भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करने से जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देश का मुसलमान शिक्षित है, सुरक्षित है और समझदार है।